अभी हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पर एक गरीब लाचार की मौत हो गई है। मौत कैसे हुई है यह तो जांच का विषय है, मौत संदेहास्पद है, रात में उसकी मौत हुई है। आप देख सकते हैं एक यही घर है जिसमें वह गरीब अपने पूरे परिवार बाल बच्चों को लेकर रहा करता था। यहाँ गांव देहात का ऐसा है, यहाँ पर परिपाटी की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसे घर से लोगों ने निकाल दिया था, इसे कोई समर्थ नहीं था। यूपी के में मजदूरी किया करता था, वहाँ से ही आया हुआ था। लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी लॉकडाउन जो लगा कोरोना के कारण, इस कारण मजदूरी नहीं मिल पा रहा था। किसी किसी प्रकार वह अपने चार बच्चे हैं, तीन लड़का एक लड़की हैं, किसी प्रकार भरण पोषण किया करता था उनका, कहीं मजदूरी मिल जाए। लेकिन तो कुछ निवाला जाता था परिवार के हलक में। लेकिन जब लॉकडाउन में मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, स्थिति बिकट थी, वह काम नहीं कर पा रहा था कहीं, किसी किसी प्रकार परिवार का भरण पोषण किया करता था। शाम में या बाहर से आया और यहाँ पर इसकी तबीयत अचानक बिगड़ती है। लेकिन मौत कैसे हुई यह अभी भी संदेहास्पद है, यह निश्चित रूप से जांच का विषय है। और यह परिवार देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब यह संकट आ गई है कि इन सभी बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। वही एकमात्र सहारा था जो किसी प्रकार मजदूरी नहीं मिलने के सूरत में भी किसी प्रकार बच्चों का पालन पोषण किया करता था। हमारे साथ यहाँ मोहल्ले के लोग भी हैं जो लगातार मदद किया करते थे। कैसी थी किस तरह परिवार चल पा रहा था? सर, अगर देखा जाए तो परिवार जितना विकट परिस्थिति में ये लोग रहा है, अगल बगल हमें नहीं लगता कि कुछ गढ़वा जिला में कोई ऐसा रहा होगा। बहुत विकट परिस्थिति है इनका। अगर हम लोग मदद भी करते थे, जैसे राशन पानी हो गया, वो लोग हम लोग बहुत मदद हेल्प करते थे, कुछ पैसा वैसा लेन देन भी तो हम लोग दे देते थे, नहीं कुछ कभी जिक्र इस चीज़ का करते थे। लेकिन अगर इसमें हमारे प्रतिनिधि लोग अगर नहीं मदद करते हैं तो सही विषय नहीं है, और जितना होगा करेंगे। और कुछ प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई तो वो लोग बोले कि हम आ रहे हैं, तो लोग आ भी रहे हैं शायद। और इसमें कंचन भैया का सहयोग रहा कि वो आ रहे हैं, बोले कि हम आ रहे हैं, जो भी लाने जाने का होगा दाह संस्कार में हम मदद करेंगे। और दौलत सोनी भैया बोले कि पूजन सामग्री में जो भी लगेगा करेंगे, और बाकी हम लोग अपने शरीर के हिसाब से खड़े हैं। लेकिन हम चाहते हैं, आग्रह है पूरा सभी जितने भी दर्शक हैं कि इनका ज़रूर मदद करें, क्योंकि चार बच्चों का परिवार है और कोई करने वाला नहीं है। सर, हम लोग उनके बावजूद रहने के बावजूद जब इतनी परिस्थिति विकट हो गया हुआ करती थी, तो उनके नहीं रहने के बाद ये परिवार मतलब मौत के मुँह के कगार पर है। सही बात, पिता का साया तो सर से उठ ही गया। लेकिन अब स्थिति है कि इन बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भरण पोषण कैसे होगा, एक ज्वलंत सवाल है जिसका जवाब समाजसेवी जनप्रतिनिधि को निश्चित रूप से देना होगा। सहयोग करके इनका सहयोग करना होगा। अब कैसे इनका पालन पोषण होगा, एक छोटे छोटे बच्चे हैं, पिता का साया तो सर से उठ ही गया, परिवार की स्थिति शुरू से ही कमज़ोर रही है पूरी तरह से। एक हालात ऐसा था कि दो निवाला नहीं मिल पाता था, किसी प्रकार ये अपना जीविकोपार्जन करते थे। इस लॉकडाउन में यह हालत यह हुई कि मौत तक इनकी हो गई। तो यहाँ पर हम भी चाहेंगे कि एक तरफ जहाँ मौत का जांच हो कि आखिर यह मौत कैसे हुआ, और दूसरी ओर इनके पूरे परिवार का पालन पोषण भी अच्छा से हो, इसके लिए भी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवारी लेनी होगी। कैमरामैन सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो CBSE पर आधारित है, नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं वेल प्लैनेट एकेडमिक क्यूरिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर टंडवा गढ़वा। संपर्क करें 9031 4747 50।